इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खेलने वाली बेटियों पर गर्व कर रहा था, जब पूरे देश को फक्र हो रहा था, सब इमोशनल थे, तब इस खेल पर बहुत पॉलिटिक्स भी हो रही थी। हॉकी के सबसे बड़े आइकॉन को भी इस राजनीति में घसीटा गया। प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद के नाम देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अवार्ड किया। इस पर सबको खुश होना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिक्स हुई क्योंकि राजीव गांधी का नाम उस खेल पुरस्कार के आगे से हटा दिया गया। आखिर नाम में रखा क्या है? सियासत के इस नए नामकरण वाले चैप्टर को बहुत गौर से डॉक्यूमेंट और रिसर्च के जरिए देखते हैं। नाम पर बड़ा काम हो गया। राजीव गांधी का नाम लिए बगैर ध्यानचंद की एक तस्वीर लगाकर नरेंद्र मोदी ने माहौल बना दिया। देखते देखते पूरे देश में ध्यानचंद होने लगा और खेल रत्न टॉप ट्रेंड बन गया। पिछले कुछ दिनों से हॉकी के जादूगर को भारत में रत्न देने की मांग कांग्रेस के कुछ नेता भी कर रहे थे। अब खेल रत्न अवार्ड में मेजर ध्यानचंद का नाम जुड़ने से वो हक्के बक्के हैं। राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पॉलिटिकल वॉर के लिए निकले हैं। पैक्सेस के मुद्दे पर वो संसद ठप कराते हैं और किसानों के नाम पर संसद से जंतर मंतर तक मार्च करते हैं। राहुल जब जंतर मंतर का प्रयोग कर रहे थे, तभी नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद के गोल पोस्ट में पेनाल्टी स्ट्रोक से गोल मार दिया। वंशवाद पर बीजेपी ने जबरदस्त बैटिंग शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस से लेकर एमपी के शिवराज सिंह चौहान तक और पंजाब के हरदीप सिंह पुरी से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किरण रिजिजू तक बीजेपी ने इसे नेशनल प्राइड का इशू बना दिया है। योगी आदित्यनाथ ने ध्यानचंद को यूपी से जोड़ दिया। कांग्रेस के पास इसका जवाब ही नहीं है, क्योंकि नई दिल्ली की फ्यूचर पॉलिटिक्स का नैरेटिव यह है कि प्रधानमंत्री ने वंशवाद पर तगड़ा हथौड़ा मारा है। एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं, तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के में डूब करके ऐसी चीजें कर रहे हैं, लगता है सेल्फ गोल करने में जुटे हैं। साथियों, जो लोग सिर्फ अपने पद के लिए परेशान है, वो अब भारत को रोक नहीं सकते। नया भारत पद नहीं, पदक जीत करके दुनिया में छा रहा है। नए भारत में आगे बढ़ने का मार्ग परिवार नहीं बल्कि परिश्रम से तय होगा, और इसलिए आज भारत का युवा कह रहा है, भारत चल पड़ा है। नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही फील्ड सेट कर दी थी और आज गोल मार दिया। परिवारवाद पर नरेंद्र मोदी के अटैक को ग्राउंड पर टेस्ट करते हैं। चलिए दिल्ली से ही शुरू करते हैं। मेजर ध्यानचंद के नाम पर कुल मिलाकर एक स्टेडियम है और एक अवार्ड के नाम में आज उनका नाम जोड़ा गया है। मगर क्या आप जानते हैं कि राजीव गांधी के नाम पर कितने स्टेडियम है और कितने स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराए जाते हैं? ध्यानचंद के नाम पर एक स्टेडियम और एक अवार्ड, राजीव गांधी के नाम पर 12 स्टेडियम और 14 स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। अब ध्यानचंद और राजीव गांधी में बड़ा खिलाड़ी कौन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के परनाना के नाम पर, दादी के नाम पर, पापा के नाम पर स्टेडियम और स्पोर्ट्स अवार्ड की भरमार है। देश के अधिकतर खेल टूर्नामेंट्स के नाम भी गांधी नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं, शुरुआत पंडित नेहरू से करते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई, नेहरू स्टेडियम पुणे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोयम्बटूर। राहुल गांधी के परनाना के बाद अब उनकी दादी के नाम पर रखे गए स्टेडियम देख लीजिए। इंदिरा गांधी खेल परिसर दिल्ली, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, इंदिरा गांधी स्टेडियम ऊना हिमाचल प्रदेश, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम विशाखापत्तनम, इंदिरा गांधी स्टेडियम देवगढ़ राजस्थान। नेहरू और इंदिरा से भी ज्यादा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम राजीव गांधी के नाम पर है।
राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम बवाना, राजीव गांधी नेशनल फुटबॉल अकादमी हरियाणा, राजीव गांधी एसी स्टेडियम विशाखापत्तनम, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम पुडुचेरी, राजीव गांधी स्टेडियम नाहरगोन ईटानगर, राजीव गांधी बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम कोचीन, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम अर्नाकुलम, राजीव गांधी खेल परिसर सिंघू, राजीव गांधी मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुवाहाटी, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम कोचीन, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून। ये तो हुई स्टेडियम की बात। गांधी नेहरू परिवार के नाम पर खेल टूर्नामेंट भी कम नहीं है। जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी गोल्ड कप टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट, इंदिरा गांधी बोट रेस कोची, राजीव गांधी गोल्ड कप कबड्डी टूर्नामेंट, राजीव गांधी सद्भावना रन, राजीव गांधी फेडरेशन कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप, राजीव गांधी बोट रेस केरल, राजीव गांधी इंटरनेशनल आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक टूर्नामेंट, राजीव गांधी मेमोरियल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, राजीव गांधी इंटरनेशनल जूडो चैंपियनशिप, राजीव गांधी रूरल क्रिकेट टूर्नामेंट, राजीव गांधी गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, राजीव गांधी मेमोरियल ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट, ऑल इंडिया राजीव गांधी बास्केटबॉल गर्ल्स टूर्नामेंट, ऑल इंडिया राजीव गांधी रेसलिंग गोल्ड कप दिल्ली, राजीव गांधी इंटरनेशनल इनविटेशन गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जमशेदपुर, राजीव गांधी मिनी ओलंपिक मुंबई। नेहरू, इंदिरा और राजीव नेता थे, ये तीनों देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इतने सारे खेल स्टेडियम और इतने सारे टूर्नामेंट उनके नाम पर क्यों? नरेंद्र मोदी ने अभी पहला टस्टर चलाया है, डिमांड इससे ज्यादा की है। नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखे गए स्टेडियम गिन लिए, हमने उनके नाम पर होने वाले स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी गिना दिए। ये काउंटिंग नरेंद्र मोदी ने भी कर रखी है। खेल रत्न पुरस्कार से बदलाव की शुरुआत हो गई है। आगे जब भी मौका मिलेगा मोदी का डस्टर चलता रहेगा। I think there should not be opposition when you give a sports person a award in the name of such a big legend. I think people will feel honored, people will feel happy. I think this is a very, very good decision. And there are so many institutions already in the name of late Rajiv Gandhi. कोई राजनीतिक नहीं, अगर कहें तो उनका वो राजनीतिक एजेंडा जरूर था, जो कि कभी भी खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो प्रेरणा जो हमारे महान खिलाड़ी कभी आज तक हुए हैं पहले उनके नामों से जो प्रेरणा मिल सकती है वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के नाम से प्रेरणा नहीं मिल सकती है। नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में राजीव गांधी का नाम भी नहीं लिखा, फिर भी बहस वंशवाद की तरफ मुड़ गई। देश में माहौल हॉकी का है, जिसमें ध्यानचंद का विरोध करने में कांग्रेस को भी सोचना पड़ रहा है। सर्वोपरि नायक के रूप में देश आज उनको याद करता है। दोनों का इतिहास में बहुत बड़ा स्थान है और दोनों का मान सम्मान हमारे देश को करना चाहिए। अदला बदली की बजाय कोई नया कोई अवार्ड इंस्टीट्यूट सरकार कर सकती थी, तो दोनों जो एक हमारे शहीद हैं पूर्व प्रधानमंत्री और एक हमारे खेल जगत के सर्वोपरि नायक हैं, तो दोनों का सम्मान रख के सरकार चल सकती। वंशवाद के पॉलिटिकल फ्रंट पर नेहरू गांधी परिवार अक्सर फिसल ही जाता है। मोदी के विरोधियों और राहुल गांधी के करीबियों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है। वंश परंपरा वाले नेताओं में राहुल गांधी खुद नेहरू खानदान की चौथी पीढ़ी के नेता हैं। इंदिरा गांधी का पोता होना और राजीव गांधी का बेटा होना ही राहुल की सबसे बड़ी पहचान है। राहुल गांधी के मार्च में जो लोग गए, राहुल के साथ नाश्ता करने जो लोग पहुंचे और राहुल के साथ जो लोग ट्रैक्टर पर चले, वो सब पद के चक्कर में परिवारवाद वाले ही लोग हैं। राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर पर बैठे दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं। पॉलिटिकल ब्रेकफास्ट में राहुल के करीब देख रही सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी हैं। असम में कांग्रेस की कमान संभालने वाले गौरव गोगोई पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे हैं। 2024 के लिए राहुल गांधी जो अलायंस बना रहे हैं उसमें भी परिवारवाद वाले लोग ही भरे हैं। डीएमके राहुल गांधी की सबसे बड़ी पार्टनर है, जिसे करुणानिधि के बेटे स्टालिन लीड कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना की कमान बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ में है। बिहार में लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव राहुल गांधी के पार्टनर हैं।
और यूपी में मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी वंशवाद के सहारे मोदी पर चढ़ाई करने वाले हैं। मोदी ने एक झटके में राहुल का कैंपेन फेल कर दिया। प्रधानमंत्री ने टेम्पलेट सेट कर दिया है जो 2022 में भी काम आएगा और 2024 में भी चलेगा। किसी ने वंशवाद के लिए, किसी ने अपने परिवार के लिए, किसी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए यूपी को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। इन लोगों की संकीर्ण राजनीति में भारत के इतने बड़े राज्य को भारत की आर्थिक प्रगति से जोड़ा ही नहीं गया। हां, कुछ लोग जरूर समृद्ध हुए, कुछ परिवार जरूर आगे बढ़े। इन लोगों ने यूपी को नहीं बल्कि खुद को समृद्ध किया। पद के लिए परिवार को खुश करने की परंपरा कांग्रेस में पुरानी है। हो सकता है कि कोई कांग्रेस शासित राज्य राजीव गांधी के नाम पर नया खेल सम्मान शुरू कर दे। कल को अगर राहुल ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो मुमकिन है उन्हीं के नाम पर नया स्टेडियम बना दिया जाए, लेकिन इतना तय है कि नरेंद्र मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। मोदी के कुछ विरोधी मोटेरा को ट्रेंड करा रहे हैं। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला और दिल्ली में दिग्विजय सिंह मोटेरा के बहाने नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया था, तो हमें तो उम्मीद थी कि वो इसका नाम भी नरेंद्र मोदी के नाम से करेंगे। अब मोटेरा की हकीकत भी समझ लेते हैं। अहमदाबाद के पास मोटेरा में नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा स्टेडियम बनवाया, तो राष्ट्रपति ने उसका नामकरण नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया। पहले यहाँ सरदार पटेल स्टेडियम हुआ करता था। मोदी के विरोधी इसी को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि मोदी अहमदाबाद में सरदार पटेल के नाम पर विशाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसका एक हिस्सा भर है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।